हेलो स्टूडेंट्स, माइसेल स्नेहा द्विवेदी। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर वन। स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने ये थ्योरम्स आपको यहाँ पे वीडियो बना दिए, दिखा रही हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए। ये कुछ थ्योरम्स हैं, आप इसको या तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में इन सारी थ्योरम्स का बहुत ज़्यादा यूज है। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ दिखा रही हूँ आपको, तो ये पॉइंट्स ज़रूर से ज़रूर आप लिख लीजिए, इसीलिए मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसकी वीडियो बना रही हूँ, आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर करके, ओके, सो डैट आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है पूरी एक्सरसाइज करने में। इसलिए मैं ये सिर्फ स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ इन पॉइंट्स की, ताकि आप लोग को ये एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके स्टूडेंट। तो ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ कहाँ से पॉइंट्स। क्वेश्चन पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 पॉइंट्स हैं, और ये 14 पॉइंट्स ध्यान से, ओके स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 10.5 एक्सरसाइज का। इन फिगर ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 degrees एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 degrees। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, देन द आर्क ए बी सी फाइंड एंगल ए डी सी। देखिए स्टूडेंट, ये हमें क्वेश्चन में इस तरीके से सर्कल दिया है, ओके, एंड ये इसका सेंटर है, एंड ये हमें गिवन है, ओके, बुक में ये आपके बुक में ये डायग्राम आपका ड्रॉ होगा ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट है हमारा ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, एंड ये सेंटर को क्या माना है इसने, ओ। अब देखिए, ये हमें दिया है 60 degrees, बी ओ सी एंगल बी ओ सी ये 30 degrees, ओके, एंगल बी ओ सी 30 degrees, एंगल ए ओ बी 60 degrees, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, एंगल ए ओ सी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी क्या है, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, एंगल ए ओ सी निकल जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल ए ओ सी AOB कितना है 60, एंड 60 degrees प्लस दिस 30 degrees, तो कितना हो जाएगा ये 90 degrees, ओके, तो ये कितना हो गया हमारा 90 degrees। अब देखिए स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स शेयर किए थे, अभी आपको दिखाई थी जिसकी वीडियो मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स में देखिएगा पॉइंट नंबर 10, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 में एक थ्योरम मीन्स एक पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट पे, वो पॉइंट्स नहीं है स्टूडेंट, बेसिकली वो थ्योरम्स है, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। वो थ्योरम्स के बेसिस पे देखिए, हमें उस थ्योरम में ये लिखा है कि एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सर्कल इज हाफ द एंगल मेड बाय इट ऑन द सेंटर। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एंगल बनता है, एंगल मेड बाय एन आर्क, इस आर्क से जो एंगल हमारा बन रहा है ऑन द सर्कल, ठीक है, सर्कल पे ये एंगल, ठीक है, इज हाफ द एंगल मेड बाय ऑन इट, मतलब ये एंगल क्या होता है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस आर्क से, ठीक है, ये एंगल जो होता है हाफ होता है, ओके, एंगल मेड बाय एन आर्क, इस आर्क से जो एंगल बन रहा है इज हाफ द एंगल मेड बाय इट ऑन द सेंटर, वो क्या होता है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका हाफ होता है। तो हमारा एंगल कितना निकला स्टूडेंट, ये वाला 90, तो ये एंगल क्या होगा, बिल्कुल इस एंगल का हाफ हो जाएगा। तो एंगल क्या बोल सकते हैं हम, ए डी सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, तो हो जाएगा हाफ एंगल ए ओ सी कितना है 90 degrees, तो इसका हाफ कर देंगे, इट इज इक्वल्स टू 45 degrees, तो हमारा एंगल ए डी सी कितना निकल गया स्टूडेंट, 45 degrees। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।